हाय एवरीवन, बोलो जय बाबा बर्फानी की। आप भी बोलिए जय बाबा बर्फानी की। आप सोच रहे होंगे ना कि ये मुझे क्या हो गया और मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं। यकीन मानिए, उनका फ्रीजर जब आइस से पूरा पैक हो जाता है तो बोलते हैं जय बाबा बर्फानी की और पूजा करने लग जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने फ्रीजर की आइस टाइम टू टाइम पिघलानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है चलिए देख लेते हैं। फ्रिज की आइस पिघलाने के में कितने झंझट होते हैं। घंटों तक फ्रिज को बंद रखना पड़ता है, तब जाके फ्रिज की आइस पिघलती है, पूरे फ्रिज में पानी पानी हो जाता है, फिर उसकी सफाई करो। तो हमें ये ऐसा नहीं करना है। मैं एक खास ट्रिक बताने वाली हूँ, उससे आपको फ्रिज बंद भी नहीं करना पड़ेगा, आपकी चीज़ें भी ख़राब नहीं होगी और बहुत जल्दी आपकी आइस पिघल जाएगी। तो देखिए, ये फ्रीज़र है जिसकी हालत ऐसी हो रही है, कितनी बर्फ़ जमी हुई है चारों तरफ से। अब इस बर्फ़ को हमें पिघलाना है। आप देख सकते हो कितनी सारी आइस रिपेयर, इन पे कितनी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है। और साइडों में ये देखिए, ये देखिए कितनी सारी बर्फ़ जमी हुई है। तो हम रेगुलर बेस पे इसको करेंगे तो इतनी बर्फ़ नहीं जमेगी। हमें क्या करना है, रेगुलर रोज़ इसको, एक बटन बता रही हूँ मैं, उसको क्लिक कर देना है, तो रोज़ के रोज़ आइस पिघल जाएगी तो जमेगी नहीं, और फ्रीज में अच्छी सी कूलिंग हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा बर्फ़ जमने पर फ्रीज अच्छी कूलिंग नहीं करता है। ये देखिए इसमें कितनी सारी बर्फ़ जमी हुई है, तो इसको हमें पिघलाना है। और वो भी कोई तामझाम नहीं है, कोई झंझट नहीं है, एक बटन को क्लिक करना है जिससे अपने आप बर्फ़ भी पिघल जाएगी और कोई चीज़ें भी ख़राब नहीं होगी और फ्रिज को बंद नहीं करना पड़ेगा। यहाँ आप देख रहे हो, ये ब्लू कलर का ये बटन है ऊपर आ रहा है, इसको हमें क्लिक कर देना है। ये मैंने क्लिक कर दिया है। जब तक ये आइस पूरी पिघला नहीं देता, आप इसको बंद नहीं कर सकते हैं। तो ये अपने आप ऑटोमेटिक है, जब तक पूरी आइस पिघल जाएगी ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये आइस पिघलने लग गई है, और थोड़ी देर बाद ये सारी आइस पिघल जाएगी और आपका फ्रीज़र बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और आप इसको साफ़ कर सकते हैं। तो इस ट्रिक से आप अपने, तो आपको रोज़ एक स्विच ऑन करना है, रोज़ ही आइस पिघल जाएगी तो आपका फ्रिज ख़राब भी नहीं होगा और आइस जमेगी भी नहीं। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर